अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उमरता लिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह के घर हाज़िरी के लिए हर आने वाला आदमी अपनी कैफियत के साथ आता है, इसलिए कि ये इश्क मस्ती का सफ़र होता है। दुनिया के सफ़र बिजनेस के लिए होते हैं, सैर के लिए होते हैं, दुनिया के मामलात में एंजॉय करने के लिए होते हैं, मगर उनका ताल्लुक जिस्म के साथ। ये जो हज और उम्रे का सफ़र, इसका ताल्लुक रूह के साथ। ये इश्क मस्ती का सफ़र है जिसमें के आने वाला अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर अल्लाह के घर की तरफ आता है। इसीलिए एहराम बांधना ज़रूरी करार दिया गया कि जब तुम आ ही अपने महबूब से मिलने के लिए रहे हो तो तुम्हें दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से क्या सरोकार है। ये अमीरी और गरीबी का फ़र्क सब ख़त्म, अब तुम सब बंदे हो। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज़। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये अल्लाह का दर ऐसा है कि तेरे सरकार में पहुंचे तो सभी एक, सबको एक कर दिया। फरमाया ये जो तुम्हारे लिबास का फ़र्क है, स्टेटस है, ये ऊंच नीच, ये तुम पीछे रख दो। सब एहराम, एक चादर लपेट लो, एक चादर बांध लो, ये मर्दों का एहराम। औरतों को कहा कि तुम जिन कपड़ों में लिपटी हुई हो वही तुम्हारा एहराम है, बस इतनी कोशिश करो कि कपड़ा तुम्हारे चेहरे से न लगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि चेहरे का पर्दा नहीं, पाबंदी ये है कि पर्दा भी रहे मगर चेहरे पर कपड़ा भी न लगे। और सहाबियात बताती हैं कि हम इसलिए खजूर के पत्तों से बना हुआ पंखा सा होता है वो अपने सर के ऊपर रख लेती थीं ताकि हमारी चादर चेहरे से ज़रा हट के रहे और कपड़ा चेहरे के साथ न लगे, ताहम पर्दा तो रहता था। जिस परवरदिगार ने दूर अपने घरों में रहते हुए औरत को पर्दे का हुक्म दिया, तो जब उसने अपने घर बुलाया तो ये कैसे हो सकता है कि पर्दा हटा दिया गया। यहाँ तो पर्दा और भी ज्यादा जरूरी है। तो मर्द का एहराम दो चादरें, खुशबू भी मना कर दी गई। फरमाया कि ये तो ज़ेब व ज़ीनत है। बालों का काटना भी मना कर दिया गया, नाखों का काटना, मैल को चैल का दूर करना, शिकार खेलना। फरमाया आशिक को इनसे क्या गरज, क्या वास्ता। मुर्ग दिल का गुलशने बेहतर से कुए यार नेस्त, तालिबे दीदार रा ज़ौक़े गुलो गुलजार नेस्त। जो दीदार का तालिब होता है उसको गुलो गुलजार से क्या वास्ता। फरमाया कि बस तुम सब अब चलो उस घर की तरफ, और तुम्हारी जुबान पे बस एक ही नगमा हो, क्या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ, है मेरे परवरदिगार में हाजिर हूँ। क्या अच्छे और प्यारे अल्फाज हैं। नबी शाम जब हजरतुल विदा के लिए तशरीफ लाने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हुए और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर पैगाम भेजा है कि आप सहाबा को हुक्म दें वो तलबीहा ऊंची आवाज से पढ़ें। यानी अल्लाह ने इस बात को पसंद फरमाया, औरतें आहिस्ता पढ़ें और मर्द जहर से पढ़ें। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम इतना ज्यादा तलबीहा पढ़ते थे कि हमारे मुंह खुश्क हो जाया करते थे। अल्लाह को ये कलमा पसंद। एक हदीस पाक में आता है कि चार बंदे ऐसे हैं कि जिनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज पर अल्लाह ताला बस्ती पर आने वाले अजाब को टाल देते हैं। एक मुअज्जिन जब अजान की अल्लाह अकबर कहता है तो ये अल्लाह अकबर का कहना अल्लाह को इतना पसंद उस बस्ती पे आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। एक मुजाहिद जब अल्लाह के रास्ते में नारा लगाता है और अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह को ये अपनी अजमत इतनी अच्छी लगती है। फरमाया कि उस मुजाहिद के नारे की वजह से बस्ती पर आने वाले सब के सब अजाब को टाल दिया जाता है। और तीसरा फरमाया कि जब किसी बस्ती में कोई बच्चा कुरान मजीद पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो ये तस्मीया अल्लाह को इतना पसंद कि उस बस्ती पर आने वाले अजाब को टाल दिया जाता है। और चौथी बात फरमाई कि जब कोई मुहरिम इहराम की हालत में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये अल्फाज कहता है, अल्लाह को ये लब्बैक का लफ्ज इतना अच्छा लगता है। वो बंदे पर तो अजाब टालते ही हैं, जिस बस्ती में वो बंदा मौजूद हो उस बस्ती पर आने वाले अजाब को टाल दिया जाता है। आप सोचिए कि ये कितना प्यारा कलमा है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। लब्बैक, हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आने वाला यहाँ आकर अल्लाह के घर का तवाफ करता है, सही करता है, उम्रे के आमाल मुकम्मल करता है। ये जो है ना घर का तवाफ, ये देखने वाले को अजीब सा लगता है कि ये क्या हुआ। जी हाँ, फितरत में इसकी निशानियां आप देखें। कहीं शमा जलाएं तो आप देखेंगे कि परवाने उसके गिर्द आके घूमना शुरू कर देंगे। अगर आप गौर करें, सारी मखलूक तवाफ के अमल में लगी हुई है, सिर्फ इंसान नहीं, सारी मखलूक। आसमानी मखलूक को देखें तो जितने भी सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। हमारा जो शमसी निज़ाम है उस निज़ाम में तमाम सैयारे, ज़मीन, मरीख और बाकी जितने भी हैं, ये सब के सब सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये तवाफ कर रहे हैं। अगर बारीक स्केल पे चले जाएं तो ये ज़मीन मादे से बनी और मादे का जो बुनियादी यूनिट है वो एटम है। और एटम को अगर आप देखें तो उसमें भी एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं। तो वहां भी तवाफ, छोटे से छोटे यूनिट में भी तवाफ। और उस एटम से मिलकर जो दुनिया बनी, जमीन बनी, तो जमीन भी तवाफ में मशरूफ है। और अगर और गौर करें तो ये जो सूरज है ये खुद साकिन नहीं है। जमीन के हिसाब से तो साकिन कहेंगे, लेकिन जब देखेंगे गैलेक्सी के हिसाब से तो ये भी किसी गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द घूम रहा है, माशाल्लाह। और अगर गैलेक्सी को देखें तो वो और किसी सेंटर के गिर्द घूम रही है। तो यूं महसूस होता है कि कायनात की हर चीज ही हालत तवाफ में है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, अब जरा गौर से सुनिए। ये आजिज अमेरिका में था तो एक दोस्त कहने लगे कि एक स्पेस म्यूजियम के अंदर डॉक्यूमेंट्री लगी हुई है आपके पास वक्त फारे हो तो मैं आपको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। पूछा क्या? कहने लगे सितारों से मुताल्लिक है। तो हमें ख्याल आया कि हाँ, इल्म बढ़ाने के लिए उसको देखेंगे। वैसे भी मदारिस में फल्कियात का मजमून पढ़ाया जाता है, हमारे अकाबिर ने इस पर काफी लिखा भी है। चनाचे दो तीन उलमा और भी थे। हम सब स्पेस म्यूजियम चले गए। लेन में ख्याल ये था कि भाई न तो वहाँ मौसीकी, न वहाँ कोई गैर महरम औरत का मसला, एक साइंसी चीज है सितारों से मुतल्लिक जो वो दिखाएंगे तो उसको तो देखना चाहिए इल्म बढ़ाने के लिए। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था दी स्टार, डॉक्यूमेंट्री का नाम था दी स्टार। और वैसे भी उलमा ने लिखा है कि मुसलमानों को तो इल्म होना चाहिए ना सूरज चांद सितारों का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और सितारों से वो रहनुमाई पाते हैं। जब वहां गए तो उन्होंने एक प्लेनेटेरियम के अंदर दिखाया आसमान के सितारों को, और फिर उसके उन्होंने मुख्तलिफ नाम बताए। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, आइडिया ये है कि अगर कोई बंदा समुंदर में रास्ता भूल जाए तो समुंदर में तो चारों तरफ पानी, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ रुख है कहाँ नहीं है। तो ऐसे में वो आसमान के सितारों को देखकर सिम्मत को भी मुतय्यन कर ले और वक्त का भी तय्युन कर ले कि ये वक्त हो चुका है। ये दो चीजें बड़ी अहम है। या किसी को दुश्मन ने किसी जंगल में जाके डाल दिया, सहरा में डाल दिया, जहाँ चारों तरफ एक जैसी रेत है, तो वो आसमान के सितारों से रहनुमाई पा सकता है, डायरेक्शन का पता कर सकता है। चुनाचे उन्होंने बताया कि देखो ये सितारे यहाँ होते हैं तो फिर इतना वक्त हो जाता है, यहाँ होते हैं तो इतना। वो बातें सुन के मुझे ख्याल आया कि हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारे वाले साहब रात को तहज्जुद में उठते थे ना, तो आसमान की तरफ बार बार देखा करते थे। उस जमाने में घड़ियाँ कम लोगों के पास होती थी, बड़े बूढ़ों के पास घड़ियां नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि आसमान को देखकर अंदाजा लगाते थे कि अब सुबह काज़िब हो चुकी और अब सुबह सादिक हो चुकी। तो मैं भी अपने वाले साहब से पूछता था तो वो भी बताते थे कि देखो ये सितारे ऐसे हैं, ये खिचियां हैं, ये तरंगड़ है, ये फला है, ऐसे नाम रखे हुए होते थे उन्होंने। ये जब यहाँ सितारे होते हैं तो उस वक्त इतना वक्त हो जाता है। तो जो कुछ हमारे बुजुर्ग अपनी जुबान में सितारों को नाम देकर सोचते थे, उन्होंने साइंसी नाम देकर बिल्कुल वही बातें कर दी। लेकिन आखिर पर एक बात उन्होंने अजीब कही। कहने लगे कि अक्सर लोग सोचते हैं कि आसमान के कुछ सितारे साकिन हैं और कुछ सितारे मुतहर्रिक हैं। ये गलत फहमी है। आसमान के सारे सितारे मुतहर्रिक हैं। फर्क ये है कि जिनकी स्पीड ज्यादा है वो हमें मुतहर्रिक नजर आते हैं, जिनकी स्पीड कम है वो साकिन नजर आते हैं, मगर वो साकिन नहीं। अगर हम उनको एक साल मुतवातिर चेक करते रहें तो वो भी अपनी जगह से हिलते जरूर हैं, चाहे थोड़ा हिले, तो मुतहर्रिक वो भी हैं। अलबत्ता एक सितारा है जो पूरी कायनात में अपनी जगह के ऊपर साकिन है। और अगर हम जरा आप लोगों को इसकी स्पीड बढ़ाकर दिखाएं तो देखो ये कैसे होगा। उसके बाद जो उन्होंने रील चलाई और सितारों की स्पीड जरा बढ़ाई तो हमने देखा कि एक सितारा सेंटर में एक जगह था और उसके गिर्द सारे खरबों खरब सितारे घूम रहे थे, सबके ऑर्बिट बने हुए थे। जब मैंने देखा तो उसी वक्त मेरे ज़हन में ये बात आई, तो मैंने साथ एक आलिम बैठे हुए थे, उनसे कहा कि देखो हदीस पाक में आता है कि एक काबा आसमानों पर भी है, उसको बैतुल मामूर कहते हैं, और वो फरिश्तों का काबा। आसमान के फरिश्ते सारे उसके गिर्द तवाफ करते हैं, और एक जमीन पर है काबा। ये दोनों इस तरह ऊपर नीचे हैं कि अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर फर्ज करो फेंकें तो वो जमीन पे जहां आकर गिरेगा वो बैतुल्लाह की जगह होगी, बिल्कुल ऊपर नीचे। तो गोया जो तजल्लियात बैतुल मामूर पर उतर रही हैं वही तजल्लियात बैतुल्ला पर उतर रही है। ये गोया नूर का एक सुतून है जो अर्श से लेके नीचे फर्श के नीचे तक है, ताहतुस्सरा तक है, और उसी में बैतुल्ला मामूर भी है और उसके नीचे जमीन पर बैतुल्ला भी है। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सितारा जो हमें नजर आ रहा है ये बैतुल मामूर हो तो आसमान पर इसके गिर्द फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, और अगर खला में देखें तो इन्हीं तजल्लियात के गिर्द जितने खरबों खरब सितारे हैं वो सारे के सारे इसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं। और जब जमीन पर ये तजल्लियात पहुंचती हैं तो अल्लाह के बंदे इन्हीं तजल्लियात के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, सब अल्लाह के चाहने वाले, सारी मखलूक अल्लाह की उन तजल्लियात के गिर्द तवाफ कर रही है। आलम तवाफ में है दुनिया हर वक्त। हमें भी अल्लाह ने तौफीक दी कि यहाँ आकर उस सिस्टम का हिस्सा बनने की हमें तौफीक मिल गई। चुनाचे यहाँ की इबादत में तवाफ सबसे ज्यादा अहम इबादत है। अल्लाह ताला की 120 तजल्लियात नाजिल होती हैं, रहमतें हर वक्त नाजिल होती हैं, जिनमें से ज्यादा तजल्लियात तवाफ करने वालों के ऊपर नाजिल हो रही थी। ये तवाफ एक ऐसी इबादत है कि जो और दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं। चुनांचे एक शख्स ने कोई कसम उठा ली कि मैं इसको इस तरह पूरी करूंगा कि ऐसी इबादत करूंगा जो दुनिया में कोई भी ना कर रहा हो। अब जब बात पूरी हो गई तो उसे समझने लगे कि मैं क्या करूं। तो बिलाखिर इमाम आजम रहमतुल्लाह के पास आया कि हजरत मैंने तो ऐसी कसम उठा ली थी, क्या करूं। तो मान लगे तुम जाओ और हरम में लोगों की मेहनत करना कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए और तुम अकेले तवाफ करना। जब तुम तवाफ कर रहे होगे, ये ऐसी इबादत है कि गारंटी की जा सकती है कि दुनिया में ये इबादत और कहीं नहीं हो रही। अल्लाह, ये इबादत यहीं होती है, और ये इबादत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, सुभान अल्लाह, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी करती है। चुनांचे हमने कई मरतबा अबाबीलों को देखा, छोटी छोटी चिड़ियां होती हैं, आप शाम को जरा बैठ कर देखें, वो भी आके बैतुल्ला की जैसे तजल्लियात के गिर्द घूम रही होती हैं। और एक मरतबा हमने एक कबूतरों को देखा, उनका गोल आया और वो गोल इसी तरह बैतुल्ला के गिर्द चक्कर लगा रहा था। और एक मरतबा एक बिल्ली को हमने देखा, हम लोग तवाफ कर रहे थे, वो साथ साथ चल रही थी, बाकायदा जैसे हम चक्कर लगा रहे थे वो बिल्ली भी साथ साथ चक्कर लगा रही थी। हमारे एक दोस्त कहने लगे जी बिल्ली भी चक्कर लगा रही है। मैंने कहा भाई देखने को बिल्ली है, क्या पता कोई जिन हो। बिल्ली तो मुकल्लफ नहीं है ना भाई कि तवाफ करे, मुकल्लफ तो या इंसान है या जिन है। तो हम तो यही सोच सकते हैं कि भाई जिन इस शक्ल में आके वो भी तवाफ कर रहा होगा। बहरहाल तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तवाफ हर वक्त हो रहा है, हत्ता के बारिश का वक्त होता है तो उस वक्त भी तवाफ रुकता नहीं है। बस फर्ज नमाज जब पढ़ी जाती है तो चूंकि वक्त की नमाज सबसे आला इबादत, वक्त का अमर अहम, इसलिए उस वक्त इसको मौकूफ करते हैं। उसके बाद तरावी की नमाज हो रही होती है, तवाफ फिर भी चल रहा होता है, दिन रात सुबह शाम हर वक्त तवाफ। आप हैरान होंगे कि एक मरतबा बहुत बारिशें हुई और सैलाब आ गया बैतुल्ला में। चूंकि ये नशेब की जगह है ना, तो पहाड़ियों का सारा पानी यहीं, तो इतना पानी के लोग डूब जाते थे। ऐन उस वक्त जब इतना पानी था बैतुल्ला के गिर्द के बैतुल्ला का दरवाजा तक डूब गया था, अल्लाह ने अपने ऐसे बंदे भेज दिए जो उस वक्त तैर कर बैतुल्ला का तवाफ करते रहे। जितने दिन पानी रहा तैर के तब लोग तवाफ करते, तवाफ चलता रहा। सुभान अल्लाह, वाह मेरे मौला, कैसी आपकी इबादत है। एक शम्मा जला दी है और उस शम्मा के गिर्द परवाने हर वक्त महवे तवाफ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने एक अफगानी बुजुर्ग को देखा, बिल्कुल माजूर थे, बूढ़े से थे, वो व्हील चेयर पर बैठे होते थे और सर झुका हुआ होता था। उनका काम सारा दिन तबाह, हत्ता के अब वो व्हील चेयर पे बैठे तो व्हील चेयर तो कोई चलाए तो कोई एक तवाफ करवाता, दो तवाफ करवाता, तीन तवाफ करवाता। अब दो तवाफ में 14 चक्कर, तीन तवाफ के 21 चक्कर, तो लोग थक जाते थे। एक छोड़ता था, दूसरा उनकी व्हील चेयर ले लेता था, तीसरा ले लेता था, चौथा ले लेता था। हमने देखा कि कई मर्तबा कोई मर्द चलाने के लिए नहीं तो अल्लाह ने किसी औरत के दिल में बात डाल दी। वो बुरके वाली औरत उनकी रेडी धकेल रही होती और उनको तवाफ करवा रही होती, और कई दफा बच्चे उनकी रेडी धकेल रहे होते। और ऐसा भी देखा कि जब कोई भी उनकी रेडी धकेलने वाला ना होता तो हमने पुलिस वालों को देखा, वो उनको तवाफ करवा रहे होते थे। वाह भाई वाह, वर्दी पहनी हुई है और उनकी रेडी धकेल के उनको तवाफ करवा रहे हैं। उनके तवाफ भी नॉन स्टॉप होते थे, और जब कभी कोई भी उनको तवाफ करवाने वाला ना होता तो हम देखते कि वो बैठे बैठे बस अपने पाँव को थोड़ा जमीन पर रख के घिसटते थे और इंच इंच वो अपनी रेडी को आगे करते थे। जब इस हालत में उनको लोग देखते कि अब भी ये तवाफ की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई बंदे के दिल में अल्लाह डाल देते, वो उनको तवाफ करवा दिया करते थे। सारा दिन तवाफ करते थे। अल्लाह अकबर। चुनांचे एक बुजुर्ग के बारे में आता है, 70 साल की उम्र थी और उस वक्त उनका रोजाना का मामूल 70 मरतबा तवाफ करने का था। 70 तवाफ का क्या मतलब भाई? 490 चक्कर बैतुल्लाह के। 490 चक्कर को गिनो तो तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर का सफर बन जाता है। अब 12-13 किलोमीटर सुभान अल्लाह, चलना कोई आसान काम, ये तो कोई देहाती चल सकता है ना, जो हल चलाता हो और पीछे चलता हो खूब, वही इतना चल सकता है 13-14 किलोमीटर, वरना आम आदमी तो नहीं चल सकता। और ये उनका एक अमल था, रोजाना का एक अमल था। और हर तवाफ के 2 रकत नफल, तो 70 * 2 140 रकत नफल, और 140 रकत नफल पढ़ने कोई आसान है? हम तो 10 रकत पढ़ लें तो हमारा हाल बुरा हो जाता है। और अगर कभी लंबी रात हो, बड़ी रात हो रमज़ान की, और 50 रकत नफल पढ़ लें तो अगले दिन घर में कर्फ्यू लगा होता है कि रात इबादत में गुजारी है, बच्चा नहीं बोल सकता, बीवी बच्चों की मिन्नतें कर रही होती है, हाथ जोड़ रही होती है, खुदा का वास्ता शोर न मचाओ, तुम्हारे अब्बू मुझे नाराज होंगे। अल्लाह अकबर, क्या घर में समा होता है। क्यों? हमने रात को 50 रकत नफल पढ़े थे, और वो बुजुर्ग 120 रकत 140 रकत रोजाना। अल्लाह अकबर। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि हमारी हालत तो ये है कि आज हम 50 रकत की नीयत कर लेना, तो जब 85 रकत के पर पहुंचेंगे ना तो हालत ये होगी कि रकू से उठते हुए समय अल्लाह की जगह उई अल्लाह निकल रहा होगा। और वाकई ऐसे है। और वो बुजुर्ग 140 रकत रोजाना, और ये उनका एक अमल था, बाकी रोज की इबादत इसके अलावा थी। अल्लाह, ये आसान काम नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है ये नेमत उसको अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अकाबिर आते थे बड़ी मेहनतों के बाद। अब तो हमारा उम्रा होता है ना जी 15 दिन का। पहले जमाने में हज का सफर 6 महीने का सफर, रमजान से पहले सफर शुरू हो जाता था। रमजान से अब तो 4 घंटे में अपने मुल्क से यहाँ पहुंच जाते हैं ना। रमजान से पहले सफर शुरू हो जाता था, और रमजान समुंदर में आया करता था। 6-6 महीने लग जाते थे हज करते हुए। अल्लाह अकबर, मुशक्कतों का सफर करके आते थे। मगर पहले जमाने में रास्ते कच्चे थे, मुसाफिर पक्के थे। आज रास्ते पक्के हो गए और मुसाफिर कच्चे हो गए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम सकीनतुल हुज्जाज के जरिए जब पहुंचते थे तो जद्दा सी पोर्ट के ऊपर जब जहाज लगता था तो जहाज के तमाम लोगों को 3 दिन जहाज के अंदर ही रखा जाता था। कि इन पे कोई वायरस ना हो, बीमारी ना हो जो हमारे मुल्क में आ जाए, लिहाजा 3 दिन ये यहीं रहे। हम अपनी आंखों से जद्दा की जमीन को देखते थे, साहिल को देखते थे, मगर 3 दिन हम जहाज के अंदर रहते थे, हमें जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं होती थी। और आज माशाअल्लाह जहाज लैंड करता है और उसके 1-2 घंटों के अंदर अंदर हम एयरपोर्ट से निकल के बाहर, और एयर कंडीशन एयरपोर्ट, एयर कंडीशन बैठने की जगह, ठंडा पानी मौजूद, टॉयलेट, हर चीज मौजूद, चाय और इस तरह की चीजों के लिए जगह मौजूद, और फिर हम इतराज कर रहे होते हैं जी बड़ा वक्त लग जाता है, बड़ा वक्त लग जाता है, ये बड़ा खड़ा रखते हैं जी। अल्लाह, अब सोचो आज जद्दा से लेके मक्का मुकरमा तक का फासला 1 से 2 घंटे का फासला है। आम हालात में 1 से 2 घंटे में यहां पहुंचते हैं। नहीं, पहले वक्तों में जद्दा से लेके मक्का मुकरमा तक का फासला 3 दिन का फासला हुआ करता था। ये तकरीबन कोई 60 मील के करीब जगह बनती थी और 20 मील का सफर ऊंटों पे रोजाना होता था। और हम तो बिल्कुल सीधी प्लेन रोड के ऊपर चल के आते हैं ना, ये पहाड़ियों को काट कर ऐसा बनाया गया। जब पहाड़ियां मौजूद थीं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे और दूसरी तरफ से नीचे उतरते थे, और अगर क्रो फ्लाइट देखें तो चंद मीटर का फासला तय होता था। फिर पहाड़ी पे चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर पहाड़ी पे चढ़ो। हमारे हजरत फरमाते थे कि हम ऊंट किराए पर लेते थे, मगर कई लोग ऊंट का किराया भी नहीं ले सकते थे, तो सामान फकत ऊंटों पे रख लेते थे और खुद 3 दिन रात पैदल साथ चल के जद्दा से हम मक्का मुकरमा पहुंचा करते थे। और फरमाते थे कि 3 दिन का पानी भी हमें साथ रखना पड़ता था कि रास्ते में पानी की जगह नहीं थी। अब 3 दिन वुजू का पानी, तहारत का पानी, पीने का पानी, जानवरों के पीने का पानी, मेरा ख्याल है टनों के हिसाब से तो पानी बन जाता होगा। इतनी मुशक्कतों से बैतुल्लाह पहुंचते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन चूंकि अल्लाह की मोहब्बत दिल में होती थी, तकवा था, इसलिए उनका बैतुल्लाह पहुंचना उनके लिए ईद हुआ करती थी। किसी ने बुजुर्ग से पूछा था कि हजरत ईद कब होगी? हजरत ईद कब होगी? उन्होंने जवाब में फरमाया, भाई जब दीद होगी तब ईद होगी, जब महबूब की दीद होगी तब ईद होगी। तो हमारे बुजुर्ग इतनी मोहब्बत के साथ आते थे कि यहाँ जब वो काबे की दीद करते थे फिर उनकी ईद हो जाया करती थी। गुरबत थी यहाँ। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि 1930 से पहले, तेल निकलने से पहले, इतनी गुरबत थी, इतनी गुरबत थी कि कोई हद नहीं। फरमान लगे हम मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे थे, 16 दिन लगते थे। आज तो मक्का मुकरमा से बस में बैठे तो 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद मदीना तैयबा में। उस वक्त 16 दिन लगते थे मक्का मुकरमा से मदीना का सफर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा भूरे ऊंट पर एक काफले के साथ ये सफर तय किया। 16 दिन लगे और 16 दिन में मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया। आज मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा का सफर करते हम दरमियान में सूरह यासीन भी नहीं पढ़ पाते। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे, एक मरतबा हम मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह हमने पड़ाव डाला। फरमाते हैं कि एक बूढ़ा आ गया, अराबी था, देहाती, तो आकर उसने इशारा किया कि मुझे भूख लगी हुई है। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि इसके लिए कुछ खाना बना दो। तो आटा वगैरह ऐसी चीजें साथ लेके चलते थे सफर में। फरमाते हैं कि मेरी अहलिया ने पानी निकाला, आटा निकाला, चूल्हा निकाला कि रोटी पका के दे। उसने जैसे ही पानी देखा ना और आटा देखा तो वो देहाती आगे बढ़ा और उसने जग में से पानी एक प्याले में डाला और एक मुट्ठी आटे की भर के उस पानी के अंदर डाल दी और उसको हिलाकर उसने पी लिया इसी तरह कच्चा। और पीने के बाद कहने लगा कि अब मैं रोटी के पकने का इंतजार कर सकता हूं। इतनी शदीद भूख थी कि कहते हैं कि अब मैं रोटी के पकने का इंतजार कर सकता हूं, इतनी भूख होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हजरत फरमाते हैं कि हम मक्का मुकरमा में जब रहते और तरबूज खाकर खरबूजा खाकर जब हम उसके छिलके फेंकते तो मकामी बच्चे आपस में झगड़ते थे कि ये छिलका कौन उठाएगा। वो छिलके उठाते और छिलके खाते और कई मरतबा छिलके घर ले जाते तो उनकी वालदा तरबूज के छिलके को काटकर सालन के तौर पर पकाया करती थी। तरबूज के छिलके सालन के तौर पर पकते थे। फरमाते हैं कि चंद बच्चे इसी तरह तरबूज के छिलके ले जाते रहे। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने 2-3 तरबूज खरीदे और मैंने उन बच्चों में काट के तकसीम कर दिए। कहने लगे बच्चों के लिए वो बहुत खुशी का दिन था, तरबूज खा रहे थे। कहने लगे तरबूज खाए तो उनमें से एक बच्चे ने अजीब बात कही। कहने लगा कि हम नबी अलैहिस्सलाम के एहसान मंद हैं, अगर वो यहाँ तशरीफ न लाते तो कौन हज और उम्रा करने के लिए आता और हमें तरबूज खाने का मौका कब नसीब होता। अल्लाह अकबर कबीरा। हम नबी अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ लाए और उनकी बरकत से आज लोग आते हैं और इन हाजियों की वजह से हमें तरबूज खाने की तौफीक मिल जाती है। हजरत फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज के लिए तशरीफ लाए एक छोटा सा बच्चा वो हमारे खेमे में आता तो मेरी अहलिया उसको कुछ बचा हुआ खाना दे देती, कभी रोटी दे देती, सालन दे देती, कोई पीने की चीज दे देती, फल दे देती। वो बच्चा छोटा बड़ा मानूस हो गया। हत्ता कि जब जाने का वक्त आया तो मेरी अहलिया ने उसको बताया कि हम तो कुछ दिनों में चले जाएंगे। तो वो बच्चा बड़ा सैड फील करने लगा, जैसे कि वो हमें बड़ा मिस करेगा और बहुत ज्यादा जुदा होके वो मगमूम होगा। तो वाकई जब जुदाई का एक दिन था तो उस बच्चे के चेहरे पर जुदाई का गम महसूस होता था। हजरत फरमाते हैं कि मेरी अहलिया ने उसे कहा कि कल हम चले जाएंगे। बिल्कुल रोने वाला हो गया। तो मेरी अहलिया ने उसकी हालत देखी तो उसे फरमाया क्यों रोते हो? अगर आप हमारे साथ चलो तो हम आपको अपने मुल्क में ले जाएंगे और यहाँ तो बिजली भी नहीं, वहाँ बिजली के पंखे हैं, इतनी गर्मी भी नहीं, खाना भी है, फल भी है, हर चीज है। हम आपको वहाँ पर रखेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, सहूलत होगी खाने पीने हर चीज की, भूख प्यास नहीं होगी, चलो हमारे साथ चलो। तो जब मेरी अहलिया ने उसको ये कहा बड़े गौर से वो सारी बातें सुनता रहा। तो अहलिया ने कहा कि फिर हमारे साथ चलोगे? जब अहलिया ने ये पूछा तो वो छोटा सा बच्चा बैतुल्ला की तरफ इशारा करके कहने लगा कि वहाँ इतना सब कुछ जो होगा क्या वहाँ बैतुल्ला भी होगा? तो अहलिया ने कहा नहीं वहाँ बैतुल्ला तो नहीं होगा। तो छोटा बच्चा कहने लगा अगर वहाँ बैतुल्ला नहीं होगा तो मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते कच्चे होते थे, मुसाफिर पक्के होते थे। आज रास्ते पक्के बन गए, मुसाफिर कच्चे बन गए। तो हम भी यहाँ आकर इस वक्त की अहमियत को पहचाने और अल्लाह से मांगें। जो नेमत मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलेगी। जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार रहे हैं यहाँ। सालिम बिन अब्दुल्ला एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में आता है कि वो तवाफ कर रहे थे, हाके में वक्त आ गया, हाके में वक्त उनको मिला और कहने लगा जी कि कोई काम मैं आप कर सकता हूं तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो जैसे उसने ये पूछा ना तो वो फरमान लगे भाई देखो मैं तो यहाँ हरम में हूँ, अब हरम में भी मैं आपसे मांगूंगा, भाई हरम में तो हम हरम के परवरदिगार से मांगेंगे ना। फलियाबदु रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब के से मांगेंगे। तो वो हाकिम चुप हो गया। जब चुप हो गया तो हजरत ने तवाफ मुकम्मल किया तो हरम से बाहर निकले, वो इंतजार में था, वो फिर पीछे आ गया और हरम के बाहर कहने लगा जी अच्छा अब बताएं आप मांगे क्या, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि बताओ मैं आपसे दीन मांगूं या दुनिया मांगूं। अब वो दीन तो कह नहीं सकता था क्योंकि दीन में तो सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल अपनी ही थी, अपने जमाने में इतने मुत्तकी बुजुर्ग थे। तो वो कहने लगा जी नहीं आप मुझसे दुनिया की कोई चीज मांगे। तो हजरत ने फरमाया कि जिस परवरदिगार ने दुनिया को बनाया उससे मैंने दुनिया कभी नहीं मांगी, मैं आपसे दुनिया क्या मांगूंगा, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी तो इससे दुनिया क्या मांगूंगा। तो देखो हमारे अकाबिर ऐसी कैफियत के साथ आते थे और यहाँ आकर बैतुल्लाह में अपना वक्त गुजारते थे, नेमतें समेट के ले जाते थे, मुकद्दरों के फैसले करवा के जाते थे। इसीलिए वो आते थे तो उनके एक सफर की वजह से सैकड़ों नहीं हजारों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे। आज हम उम्रे के सफर पे आते हैं और खुद पक्के मुसलमान होके वापस नहीं जाते। काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, जमजम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। जमजम भी पीते हैं लेकिन जो एक नफसानी शैतानी आग लगी होती है ना इश्क मजाजी वाली, वो नहीं जाती। उसके लिए तो फिर नफ्स पे छुरी फेरनी पड़ती है, यहाँ आके अपने नफ्स को जिबा करना पड़ता है, ख्वाहिशात को जिबा करना पड़ता है, अहद करना पड़ता है कि अल्लाह सब लातो मनात तोड़ दिए मैंने। तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमिया, तरक्तुल्लात वल उज़्ज़ा जमिया, कज़ालिक यफ़अलुर रजुलुल बसीरु। बसारत रखने वाला हर इंसान ऐसे ही किया करता है, बुतों को तोड़ देता है। बुतों को तोड़ तख़य्युल के हों के पत्थर के। इन अच्छी कैफियत के साथ हम अल्लाह के घर का तवाफ करें और फिर हाथ उठा के दुआ मांगे, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलते हैं। दिन में तवाफ करें, रात में तवाफ करें। अब एक चीज ध्यान में रखें कि तवाफ दाईं तरफ से बाईं की तरफ किया जाता है और अगर आप देखें तो कानून फितरत भी यही है। जमीन अपने महवर के गिर्द जो घूम रही है तो दाएं से बाएं घूम रही है, मगरिब से मशरिक की तरफ घूम रही है, तभी तो मशरिक की तरफ सूरज तुलू होता है ना, पहले सूरज उधर ही नजर आता है मशरिक की तरफ, क्योंकि दाएं से बाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि हर अच्छे काम को दाईं तरफ से शुरू करो। और इसीलिए अगर मजलिस में बहुत सारे लोग हों तो जो सरे हल्का है उसको पहले पानी पिलाओ और फिर उसके दाएं तरफ से सबको पिलाना शुरू करो। अल्लाह ताला यमीन को पसंद फरमाते हैं। तवाफ में भी हम इसी तरह करते हैं कि यमीन से हम यसार की तरफ आते हैं। तो ये एक फितरती मामला है। एक बात इसमें और ध्यान में रखिए, कि तवाफ के इन चक्रों में हम अल्लाह से दुआएं मांगे, जो दुआ मांगेंगे अल्लाह की तरफ से कबूल होगी। वे लोग बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने जाएं तो हम दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी फकीरू का बेबाबिका साइदू का बेबाबिका, तेरा फकीर तेरा साइल तेरे दरवाजे पे हाजिर है। मेरे मौला बहुत दूर से आया हूं और बहुत देर से आया। गिर पड़ के यहां पहुंचा, मरमर के इसे पाया। गिर पड़ के यहां पहुंचा, मरमर के इसे पाया। छूटे न इलाही अब संगे दरे जान आना। इस दर को पकड़ा है, ऐ अल्लाह अब इस दर को छोड़ना तबीयत गवारा नहीं करती, तेरे दर पे ही झुकेंगे, तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में हैं, तवाफ करें और अल्लाह से मांगे। और तवाफ के दौरान अपनी निगाह की हिफाजत, नीचे देखें हत्ता के गैर महरम के कपड़े पर भी नजर न पड़े, उसके जिस्म पे नजर पड़ना या चेहरे पे नजर पड़ना तो बहुत दूर की बात, कपड़े पे भी नजर न पड़े। इस तरह हटकट के तवाफ करें, खास कैफियत में अल्लाह की तरफ। अल्लाह भी इस बात को पसंद करते हैं कि मेरा ये बंदा इधर उधर मशगूल होने की बजाय मेरी तरफ मुतवज्जे है। अल्लाह ताला को भी ये बात अच्छी लगती है। एक ख्याल कभी कभी ज़हन में शुरू में आता था कि शरीयत ने मर्द और औरत की जो तफरीक है उसको ऐसा किया कि भाई मर्द मर्दों में रहें, औरतें औरतों में रहें। मर्द और औरतें तब करीब आएं जब महरम हों, इसलिए पर्दे का हुक्म दिया। हत्ता के फर्ज नमाज पढ़नी है तो शरीयत ने कहा कि मर्दों की सफ़ें आगे बने, औरतों की सफ़ें पीछे बने। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ाते तो बाबुन निसा बिल्कुल पीछे था, तो आप नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए जिक्र अज़कार फरमाते थे, ताकि इस दौरान जो औरतें हाजिर होती वो पहले चली जाती थीं और बाद में मर्द निकला करते थे। मर्दों औरतों का एक वक्त में निकलना भी पसंद न फरमाया। जब मस्जिद नबी में बाबुल निसा बनाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मर्द दूसरे दरवाजों से जाएं। अब्दुल्लाह इब्न उमर लानो ने यह बात सुन ली, फरमाते हैं कि उसके बाद पूरी जिंदगी आम वक्त में भी अगर बाबुन निसा करीब होता, मैं बाबुन निसा से नहीं गुजरता था कि मेरे आका ने कह दिया मर्द दूसरे दरवाजों से दाखिल। इतना ख्याल। तो फरमाया कि मर्द रास्तों के दरमियान में चलें, औरतें रास्तों के किनारों पे चलें। साहबियात फरमाती हैं, हमें अगर गली में से गुजरना होता तो हम गली के इतना किनारे पे चलती कि हमारे बुरके चादरों के कपड़े दीवार के साथ फंस जाया करते थे, यानी इतना दीवार के करीब से होके गुजरती थी। मर्द अलग औरतें अलग। अब जब ये असूल है पूरी शरीयत में, तो यही असूल तवाफ में भी हो सकता था। मर्दों को कह दिया जाता तुम्हारा तवाफ दिन में, औरतों को कह दिया जाता बिलफर्ज तुम्हारा तवाफ रात में। किस्सा खत्म। औरतें रात को जाके तवाफ कर लेती, मर्द दिन में तवाफ कर लेते। मगर नहीं, अल्लाह ताला ने ना कोई वक्त को तकसीम किया ना जगह को तकसीम किया। बस नमाज का वक्त ना हो, अगर फर्ज नमाज है तो फिर नमाज अफजल, वरना उसके सिवा हर वक्त औरत भी चाहे तवाफ कर सकती है, मर्द भी चाहे। गोफ व कहा ने लिखा है कि औरत किनारे पर करे, मर्द अंदर करे, मगर तवाफ तो हर वक्त ही हो सकता है ना, मर्द करे या औरत करे। तो यहां आकर ये अलग अलग क्यों नहीं किया गया? कई दफा जहन में ये सवाल आता था, तो फिर जाके बात हकीकत समझ में आई कि पहली बात तो ये कि इस जगह को अल्लाह ने हरम फरमाया, और हरम की वजह से इसकी इज्जत इतनी फरमाया कि बाहर तुम गुनाह जब तक कर न लो तब तक सजा नहीं देंगे, मगर हुदूद हरम में तुम गुनाह का दिल में इरादा भी करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। एक तो पाबंदी सख्त कर दी, वमन युरिद फीहि बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन ग़लीज़। और दूसरी बात, असल में अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मर्द भी हैं औरतें भी हैं, मेरे घर का तवाफ करने के लिए आए हैं, तो अब ये इतना मेरी मोहब्बत में डूब कर तवाफ करें कि इनको एक दूसरे की तरफ ध्यान ही न रहे। रुखे ज़ेबा के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे ज़ेबा के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है या देखें उधर जाता है परवाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही मामला कर दिया, फरमाया कि आओ जरा मैं देखना ये चाहता हूं कि दिल अटका कहाँ है, मखलूक में या खालिक में। मेरी मोहब्बत के दावे करके आए, मेरी मोहब्बत के मुतलाशी बन के आए, अब मेरे घर में आ गए हो ना, अब मैं तुम्हें टेस्ट करता हूं, आओ जरा तवाफ करने, इकट्ठा तवाफ करके दिखाओ। लेकिन ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं कि तवाफ में जब जाते हैं मर्द अपनी मर्दानगी भूल जाते हैं, औरतें निस्वानियत भूल जाती हैं। हमने देखा तवाफ के दौरान मर्द भी हिचकियां लेकर रोता है, औरत भी रो रही होती है, मर्द भी आंसू बहा रहा है, औरत भी आंसू। उसने भी कहा या रब या रब, इसने भी कहा या अल्लाह या अल्लाह। जब दोनों तड़प तड़प के अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह फरिश्तों को मंजर दिखाते हैं, तुम तो कहते थे ये जाएंगे फसाद मचाएंगे खून बहाएंगे, मेरे इन बंदों को भी देख लो, मर्द भी तो हैं औरतें भी हैं, इनके जिस्मानी तकादे भी हैं, नफ्स एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे भी कर सकता है, मगर नहीं, अब मर्द अपनी मर्दानगी भूल गया, औरत निस्वानियत भूल गई, मेरी मोहब्बत ने ऐसे गलबा पा लिया, सब मेरी मोहब्बत में मुतवज्जे मेरी तरफ हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। देखो मर्द भी मेरी मोहब्बत में रोने वाले, औरतें भी मेरी मोहब्बत में रोने वाली, ये मेरे उशाक का मजमा है। समझ आ गई एक दूसरे की मोहब्बतें बाद की बात थी, असल मेरी मोहब्बत थी जो दिलों पर गालिब थी, और यहाँ आके उसने बतला दिया। अल्लाह ताला इस मंजर को शायद फरिश्तों को दिखाते होंगे, फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं, मेरे ऐसे भी तो बंदे होते हैं, आंख उठाकर देखना चाहें देख सकते हैं, आंख झुकी हुई है, पुरनम है, दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, पुकार रहा है और अल्लाह से माफिया मांग रहा है, रब्बिगफिर रब्बिगफिर। अल्लाह फरमाते हैं इनको इतना तो पता है कोई इनका परवरदिगार है। जब मेरे बंदे इस मोहब्बत के साथ मेरे घर का तवाफ कर रहे हैं, मैं इन बंदों की इस मोहब्बत को कबूल करके इन बंदों के पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा देता। ये तवाफ का अमल अजीब अमल है। पहले जमाने में बात समझनी मुश्किल थी, आज के जमाने में समझनी आसान हो गई। वो कैसे? पहले औरतें कपड़े हाथ से धोया करती थीं, साबुन लगाती थीं या शैम्पू डालती थीं और उसको धोया करती थीं। आजकल वॉशिंग मशीन आ गई। वॉशिंग मशीन क्या होती है? मैले कुचैले गंदे कपड़े आते हैं, उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो, पानी भी आ जाता है, उसमें साबुन भी पड़ जाता है, चंद चक्कर लगवा के सारी मैल निकाल के उसको बाहर कर देते हैं। आज बात समझ में आई, मौला तूने मैले दिलों के लिए, तूने गुनाहों से आलूदा दिलों के लिए एक रूहानी वॉशिंग मशीन ऐसी बना दी। मेरे बंदो, लिथड़े दिलों को लेके आओगे, तुम अपने आलूदा दिलों को लेकर आओगे, मेरा घर ये रूहानियत की ऐसी वॉशिंग मशीन है, मैं तुम्हें तवाफ में जब डालूंगा बस 7 चक्कर लगवा के सब गुनाहों को धो के साफ दिलों को बाहर निकाल देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मोहब्बत के साथ अच्छे अंदाज से तवाफ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए मुराकबा कर लीजिए। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। मैं कि था बेराह तूने दस्तगीरी आपकी, गिरद काबे के फिराया मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम जमजम का पिलाया मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया, मुल्तज़िम पे है लगाया मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बियल अल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ मालिक हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। मेरे मौला हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, नफसानी शैतानी शहवानी मोहब्बतों से महफूज फरमा। ए करीम आका हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब करीम क़यामत के दिन हमें चाहने वालों की कतार में शामिल फरमा। ए करीम आका मेहरबानी का मामला फरमा। ए अल्लाह मोहब्बत की एक नज़र हमें भी अता फरमा। ए अल्लाह इस मजमे को मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। ए रब करीम ये दुआ मांगते डर भी लग रहा है आपकी तरफ से जवाब ना आ जाए। मोहब्बत की नज़र में बिलाल पे डालता था, मोहब्बत की नजर में सुमैया पे डालता था। तुम अपनी जिंदगियों को देखो मेरे मौला, गुनहगार बंदे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा एक ही रब है, एक ही परवरदिगार है और उसी के दर पे हाजिर हैं। मेरे मौला इस दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं कि हम छोड़ के वहाँ चले जाएं। आपको मनाना उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि आप राजी नहीं हो जाते। ऐ करीम आका राजी हो जाइए, ऐ रहीम राजी हो जाइए, ऐ मन्नान राजी हो जाइए, ऐ हन्नान राजी हो जाइए। हमें पाक कर दीजिए, निगाहों को पाकीज़ा कर दीजिए, दिलों को पाकीज़ा कर दीजिए, जिंदगियों को पाकीज़ा फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत दिलों में भर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे सफर को कबूल फरमा लीजिए और इसके बदले हमें अपने मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिही व असहाब।